मेरा नाम निरोय, मैं सब बेटा सेवेंथ क्लास का साइंस का यूनिट नंबर 8 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका जो हमारे पास इसका जो नाम है चैप्टर का है, वो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी कि जो हीट है, जो हरारत है, उसका मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह जाना। आप देखेंगे कि हरारत कैसे एक चीज से दूसरी चीज में एक जगह दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, काले हरारत से क्या मुराद है? व्हाट इज मेंट बाय हीट ट्रांसफर? के हीट ट्रांसफर से मुराद क्या? हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाने से मुराद बेटा हरारत का एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होना काले हरारत कहलाता है। हरारती एनर्जी तीन तरीके यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से मुंतकिल होती है। ठीक है, इस हरारत का एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाना, और ये तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट एनर्जी ट्रांसफर इन थ्री वेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन तीन तरीकों से जो बेटा हरारती एनर्जी है ना, वो मुंतकिल होती है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में। कंडक्शन से क्या मतलब है? पहला तरीका कंडक्शन, मादा में जरात का अपनी पोजीशन से हकीकी हरकत के बगैर हरारत का मुंतकिल करना कंडक्शन कहलाता है। कंडक्शन ठोस माया और गैस में होती है, लेकिन ठोस माया या गैसों की निस्बत हरारत ठोस से कंडक्ट करते हैं। कंडक्शन बेटा मादा में जरात का अपनी पोजीशन से हकीकी हरकत किए बगैर, जो मतलब जो जरात होते हैं वो अपनी पोजीशन से हरकत नहीं करते, लेकिन फिर भी वो जो हीट होती है उसे आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इससे मुराद आप ये ले लें कि जब आप चाय में कोई चम्मच रखते हैं, जब चाय पकड़ी होती है तो कुछ देर बाद आप चम्मच को हाथ लगाते हैं तो वो गर्म होता है। हालांकि ना तो आप चम्मच के ऊपर वाले दरार नीचे गए हैं, ना नीचे वाले ऊपर आए, तो कोई हकीकी हरकत नहीं हुई, लेकिन फिर भी चम्मच गर्म हो जाता है। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम कंडक्शन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट, कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, कोई हकीकी जो मूवमेंट है हरकत नहीं होती, और पार्टिकल पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजिशन उनके पोजिशन से इस कॉल्ड कंडक्शन। तो उसे हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन अकर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट सॉलिड यूजुअली कंडक्ट हीट बेटर देन लिक्विड और गैसेस। बेटा कंडक्शन तीनों में होती है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, लेकिन जो सॉलिड होते हैं उनमें कंडक्शन सबसे बेहतर होती है लिक्विड और गैसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे कंडक्टर से क्या मतलब है? बेटा वो मटीरियल जिनमें से हरारत आसानी से गुजर जाती है हरारत के अच्छे कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठोस अशिया जैसे कि दांतें हरारत के अच्छे कंडक्टर। बेटा जो हीट को गुजरने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, और जो हीट को नहीं गुजरने देते हैं उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। तो जो हरारत को आसानी से गुजरने देते हैं उनको कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, मटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सॉलिड सच एज मैटर आर गुड कंडक्टर्स। तो अभी हमने पढ़ा है जो सॉलिड्स हैं, जो मैटर्स हैं, वो हरारत को गुजरने देते हैं, इस वजह से वो अच्छे कंडक्टर है। नाकस कंडक्टर या इंसुलेटर, ठीक है, नाकस कंडक्टर भी कहते हैं और इंसुलेटर भी कहते हैं। इसे क्या मुराद है? व्हाट इज मेंट बाय इंसुलेटर? वो बेटा वो मटेरियल जिनमें से हरारत आसानी से ना गुजरे, हरारत के नाकस कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाते हैं। ठोस अशिया जैसे कि लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक वगैरह हरारत के नाकस कंडक्टर होते हैं। इनमें हीट गुजरती नहीं है, और अगर गुजरती है तो बहुत कम गुजरती है। ठीक है, तमाम मायात मां सवाए पारा के, जो एक माया धात है, गैसें भी हरारत, तमाम मायात और तमाम गैसें हीट की नाकस कंडक्टर है। सिर्फ एक माया है जो हीट को कंडक्ट करती है और उसका नाम है पारा, उसे मरकरी कहते हैं। बेटा ये धात है लेकिन ये ना लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, जो अपने में अंदर से हीट को नहीं गुजरने देते, आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और हीट इंसुलेटर। सॉलिड सच एज वुड, ग्लास, प्लास्टिक, स्टायरोफोम आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल लिक्विड्स तमाम माया एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड मेटल, जो कि एक माया धात है, मरकरी के अलावा तमाम धातें अच्छी कंडक्टर नहीं होते, एंड गैसेज आर ऑल्सो बैड कंडक्टर, जो गैसेज है वो भी बैड कंडक्टर है। तो ये टेबल है जिसमें इंसुलेटर और जो कंडक्टर है वो बताए हुए हैं। चांदी अच्छा कंडक्टर है, इसमें से हरारत गुजर जाती है हवा में या कोई भी गैस, उसमें से हरारत नहीं गुजरती। इसी तरह कॉपर, तांबा, तो उसमें से भी हरारत गुजर जाती है। एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, इन सब में से हरारत आसानी से गुजर जाती है, लेकिन कार्क, शीशा, प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह में से हरारत नहीं गुजरती।